अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त सी रेसिपी, खड़े मसाले की फ़िश। ये बहुत टेस्टी और मज़े की बनती है। चलिए अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, इसमें हम अपनी फ़िश को फ्राई करेंगे, तेज़ गर्म में करेंगे। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने जो ऑयल लिया है तकरीबन 1 कप से ज़्यादा है, क्योंकि हमने इसको फ्राई करना था, इसलिए सारी फिश को अच्छी तरह, तेल हमारा बहुत अच्छा सा तेज सा गर्म हो गया है, तो फ्राई कर लेते हैं। अब हम अपना इसमें ये गरम मसाला सारा फ्राई कर लेते हैं। उसी घी में हम ये इसको शामिल करके हल्का सा फ्राई करते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे फ्राई कर लेते हैं। तेल तो गर्म है, इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ये डालते हैं हम। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। साथ ही हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे। मैंने 3 टमाटर लिए थे, 3-4 ही हरी मिर्च ली हैं। अब हम इसमें साथ ही प्याज भी शामिल कर देते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून में लाल मिर्च पाउडर। मछली को नमक लगा होता है, इसलिए हम 1/2 टीस्पून ही इसमें नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी हम 1/2 टीस्पून ही डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे। प्याज ज़रा अच्छी तरह पक जाए, जैसे कि आपको बताया है खड़े मसाले वाली बनानी है, तो ये इसका मसाला ज़रा खड़ा खड़ा होगा, तभी ये जायका आएगा, अच्छा लगेगा इसका टेस्ट भी, और ये खूबसूरत भी लगेगा। अब हम अपनी मछली भी साथ ही शामिल कर देते हैं, ताकि इसमें भी मसाला रच जाए, और इसको ढक के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये हमारी ज़बरदस्त सी खड़े मसाले वाली फ़िश तैयार है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।